हेलो दोस्तों, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश के गवर्नर की शक्तियों, उसके कार्यों के बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है और उसका उपयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 में यह बताया 153 के में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और उसके बाद हमने बात की थी सातवां संविधान संशोधन, जिसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। फिर हमने राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के बारे में, न्यायिक स्वविवेकाधिकार शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने बात करी थी, विधायी शक्तियों के बारे में हमने बात करी थी। तो इस तरीके से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमारे पुराने लेक्चर्स में मिल जाएंगी। तो इस लेक्चर को देखने के पहले आप पुराने पहले के लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको लिंक करने में बहुत आसानी होगी। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो राज्यपाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। राज्यपाल का पद भारत में कनाडा से लिया गया है और यह राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, वह राज्यपाल के बनने के योग्य होता है। जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपाल को गाड़ी में पांचवें पहिए के रूप में फिफ्थ व्हील इन अ कोच की संज्ञा दी है। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने राज्यपाल के बारे में अलग अलग चीजों के बारे में बताया है, तो हम एक एक करके इन चीजों को देखेंगे। सामान्यतः हम राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यावधि की अगर हम बात करें तो जो पोस्ट है उसके पद ग्रहण करने के लेकर 5 वर्ष तक का माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों की एक सूची जो मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में जब होता है तब से लेकर आज तक कितने राज्यपाल हुए हैं उनकी एक लिस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पहले मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 13 जून 1957 तक चलता है। उसके बाद श्री हरि विनायक पाटस्कर 14 जून 1957 से लेकर 10 फरवरी 1965 तक। हरि विनायक पाटस्कर जी का कार्यकाल राज्यपाल के तौर पर सर्वाधिक समय का माना जाता है। आप देख रहे हैं 1957 से 1965 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। उसके बाद है केसी रेड्डी 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 तक, और इनके कार्यकाल के बाद पीवी दीक्षित आते हैं, एक्टिंग जस्टिस पीवी दीक्षित कार्यकारी तौर पर 2 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966, यानी कि मात्र 7 दिन का। तो ये कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल है, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट इन मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम है तो पीवी दीक्षित हैं। उसके बाद फिर से एक बार केसी रेड्डी बनते हैं 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक। फिर सत्यनारायण सिन्हा 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक। सत्यनारायण सिन्हा के बाद एन वांचू, इनका पूरा नाम है निरंजन नाथ वांचू, ये 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। फिर सीएम पुनाचा चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा, जिनका कार्यकाल 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक का कार्यकाल है। फिर बीडी शर्मा बनते हैं 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 तक। फिर बीडी शर्मा के बाद कार्यकारी के तौर पर जीपी सिंह 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक। और फिर एक बार जीपी सिंह के बाद फिर से जीपी सिंह एक्टिंग गवर्नर थे तो उनके बाद फिर से बीडी शर्मा आते हैं 10 जुलाई 1981 से 10 सितंबर 1983 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर से जीपी सिंह आते हैं एक्टिंग गवर्नर के तौर पर 21 सितंबर 1983 से 8 अक्टूबर 1983 और फिर से एक बार बीडी शर्मा 8 अक्टूबर 1983 से 14 मई 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। बीडी शर्मा के बाद यानी भगवत दयाल शर्मा इनका पूरा नाम है। इनके बाद आते हैं के एम चांडी,
केम चांडी 15 मई 1984 से 30 नवंबर 1987 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। केम चांडी के बाद नारायण दत्त ओझा ये कार्यकारी राज्यपाल रहते हैं। ये मध्य प्रदेश के न्यायाधीश रहे हैं। इनका पूरा नाम न्यायाधीश नारायण दत्त ओझा या एनडी ओझा है। 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। और इनके बाद फिर से आते हैं के एम चांडी, इनका कार्यकाल 30 सितंबर 1987 से 30 मार्च 1989। फिर मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल 31 मार्च 1989 को अपना पद ग्रहण करती हैं और 5 फरवरी 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी रहती हैं। सरला ग्रेवाल के बाद आते हैं एम ए खान, जिनका पूरा नाम है कुंवर महमूद अली खान, जो कि 6 फरवरी 1990 से लेकर 23 जून 1993 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। और मोहम्मद अली खान के बाद आते हैं मोहम्मद शफी कुरैशी। महमूद अली खान के बाद मोहम्मद शफी कुरैशी 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने रहते हैं। और मोहम्मद शफी कुरैशी के बाद आते हैं डॉक्टर भाई महावीर, जो कि 22 अप्रैल 1998 को राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं और 6 मई 2003 तक राज्यपाल के पद पर बने रहते हैं। डॉक्टर भाई महावीर के बाद राम प्रकाश गुप्ता 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक, और एक बार इनके बाद कार्यकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। फिर बलराम जाखड़ 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। बलराम जाखड़ के बाद रामेश्वर ठाकुर 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 और रामेश्वर ठाकुर के बाद राम नरेश यादव 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक ये रहते हैं। और उनके बाद एडिशनल चार्ज के तौर पर ओपी कोहली 8 सितंबर 2016 से 23 जनवरी 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल। एडिशनल चार्ज का यहाँ मतलब है कि ओम प्रकाश कोहली इसके अलावा, यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा भी किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल रहे हैं। फिर 21वें नंबर पर आनंदीबेन पटेल 24 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं। और इनके बाद श्री लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। तो लालजी टंडन 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। उनके बाद एडिशनल चार्ज में आती हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के राज्यपालों की पूरी लिस्ट है। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नाम का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल के तौर पर होंगे, तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है आपका 20 जुलाई 1951 मेरठ में। इन्होंने अपनी एजुकेशन भी मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है और वहीं ऋषि कुल आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार से इन्होंने बीएएमएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, इनका जन्म 24 नवंबर 1880 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा है, उसमें वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1959 में होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो MBCM उस समय पर मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिग्री हुआ करती थी, जो इन्होंने लिया है। और वहीं त्रिचनापल्ली में ही उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाद में ये 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। इसके अलावा इनका नाम त्रिपुरी क्राइसिस से भी माना जाता है। 1948 के पहले एक बार इनके पास मौका था कि ये मध्य प्रदेश INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, जहां पर प्रेसिडेंट के पद का चुनाव होना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना कैंडिडेट चुना था, लेकिन इनके अपोजिट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि भारी मतों से विजयी होते हैं। और गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, इस कारण से गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया।
और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसी को हम बोलते हैं त्रिपुरी क्राइसिस 1939 जबलपुर या त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित है, मध्य प्रदेश से है ये, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जब राज्य का पुनर्गठन की बात चल रही थी भाषाई आधार पर, तो एक कमेटी बनाई गई थी JVP कमेटी, जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तो ये उसके सदस्य रहे हैं। एक्चुअल में ये जो कमेटी बनाई गई थी, पुट्टी श्री रामुल्लू करके एक व्यक्ति रहे हैं आंध्र के, जो जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करी, और 56 दिनों के हंगर स्ट्राइक के बाद ये हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया जाए। तो इस कमेटी ने अपना सुझाव दिया कि हमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। तो JVP कमेटी से पट्टाभी सीतारमैया संबंधित हैं। इसके अलावा इन्होंने आंध्रा बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि अभी UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुका है। 1 अप्रैल 2020 को मछलीपट्टनम में इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, 28 नवंबर 1923 में। फिर इन्हीं के नाम पर पट्टाभी भवन, जो कि आंध्रा बैंक का हेड ऑफिस है, रखा गया है। तो ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1927 को हुआ था और मृत्यु 29 फरवरी 2002 को हुई। ये भारत की पहली दूसरी महिला IAS ऑफिसर रही हैं, जो कि 1952 में होती हैं, और पंजाब की ओर से होने वाली ये पहली महिला IAS ऑफिसर हैं। ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें डिप्टी कमिश्नर के तौर पर इंडिया में अपॉइंट किया गया था, शिमला में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, और ये बाद में राजीव गांधी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कुछ राज्यपालों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा राज्यपालों के बारे में। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है, जैसे हमने बात करी जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपाल को 5th व्हील इन अ कोच कहा है, तो वैसे ही कुछ और लोगों ने इन्हें अलग अलग राज्यपाल के पद को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे डॉक्टर LM सिंघवी ने बताया है कि मंत्रिमंडल में बहुमत की जांच करना वह अपना ऐसा स्वविवेकी अधिकार समझता है, राज्यपाल अपना ऐसा स्वविवेकी अधिकार समझता है जिसके लिए मंत्रिमंडल के परामर्श के विरुद्ध भी अपनी इच्छानुसार विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि संकीर्ण प्रांतीयतावाद का पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रांतीयतावाद, संकीर्ण, ध्यान रखेंगे यहाँ पर संकीर्ण प्रांतीयतावाद, रीजनलिज्म पर कंट्रोल करने के लिए राज्यपाल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वहीं पर KM मुंशी ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। फिर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो हमारे पहले राज्यपाल हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है राज्यपाल की पोस्ट को लेकर। तो बता दूं, राज्यपाल के बारे में उन्होंने बताया है कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क उठाता है कि जो राज्यपाल का जो पोस्ट है केवल नाम मात्र का तो नहीं है। तो वहीं पर भूतपूर्व राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने भी बताया है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो राज्यपाल का जो पद है वो अपनी गरिमा खो चुका है। कई लोगों ने उसे एक सेंटर के एजेंट के तौर पर प्रस्तुत किया है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे सिविल सर्विसेज में है UPSC है, अदर स्टेट्स की PSC है, MPPSC, UPPSC, इसमें पूछे जा चुके हैं। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा अपने सिविल सर्विसेज के का जब हम मेंस वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके बहुत सारे दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।